हाय एवरीवन, हम बात कर रहे हैं फिर से अपने इकोनॉमिक्स के उसी श्रृंखला पर जहां पर हम डिफरेंट टाइप के कर्व और सिद्धांतों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें एक और कर्व आता है जिसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स साहब ये बताना चाह रहे हैं कि मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी का संबंध क्या है, मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में किस प्रकार का संबंध है, मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी। अगर हम बात करें मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में, तो बहुत सामान्य, अगर आपने हमारे इन्फ्लेशन के वीडियोस को देखा होगा तो मैंने वहां समझाया था कि मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में अगर हम जब भी बात करते हैं तो जैसे जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, कीमतों के बढ़ने के कारण उत्पादन लोग ज्यादा से ज्यादा करने के लिए इकाइयां डालेंगे, उससे रोजगार बढ़ते हैं। तो मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी में वित्त क्रमानुपाती संबंध है। वित्त क्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर मुद्रा स्फीति का मान ज्यादा है तो फिर बेरोजगारी उस देश में कम होगी, और उसी कारण से बेरोजगारी, अगर मुद्रा स्फीति का मान कम है तो बेरोजगारी ज्यादा होती है। अगर हम फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व में परिणाम कुछ ऐसे निकलते हैं कि ये मुद्रा स्फीति और यह बेरोजगारी। अगर मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो यह एक वित्त क्रमानुपाती संबंध होगा, और वित्त क्रमानुपाती संबंध के ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनते हैं। इसका मतलब जब मुद्रा स्फीति का मान अधिकतम था तब बेरोजगारी का मान न्यूनतम था, और जब बेरोजगारी का मान अधिकतम आया तब मुद्रा स्फीति का मान न्यूनतम होगा। ये न्यूनतम, तब जाकर ये बेरोजगारी अधिकतम, और जब यह अधिकतम तभी जाकर यह बेरोजगारी न्यूनतम। और इसीलिए तो एक प्रश्न कहा जाता है कि मुद्रा स्फीति अच्छी या बुरी। तो मेरी इतनी सी बात याद रखना, मुद्रा स्फीति ना तो अच्छी है ना बुरी है। एक ऐसी मुद्रा स्फीति की हमें आवश्यकता है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हो। तो मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी का विक्रमानुपाती संबंध फिलिप साहब के अनुसार समझाया जा सकता है कि जैसे जैसे मुद्रा स्फीति का मान बढ़ता जाएगा बेरोजगारी वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, और अगर हम बात करें कि मुद्रा स्फीति न्यूनतम है तो बेरोजगारी अधिकतम होगी, और अगर वहां पर मुद्रा स्फीति अधिकतम है तो बेरोजगारी न्यूनतम होती है। बहुत ही सामान्य रूप से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जितना देश में मुद्रा स्फीति ज्यादा रहेगी रोजगार उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं यह भी कह सकता हूं कि मुद्रा स्फीति का संबंध रोजगार के समानुपाती भी है। इसलिए हम जब भी अपने मुद्रा स्फीति पर मेंस में लिख रहे हो तो आप कभी उसको ना तो क्रिटिसाइज करेंगे ना समर्थन, हम कहेंगे कि मुद्रा स्फीति इतनी होनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभावों से अधिक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने चाहिए। तो कहीं पर भी फिलिप्स कर्व जब भी दिमाग में आए तो बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति यह शब्द दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध है मुद्रा स्फीति और बेरोजगारी के मध्य में। तो जब भी हम बात करेंगे फिलिप्स कर्व की, वह सामान्य सा एक कर्व जो इनके मध्य का परिणाम निकाल देता है। तब हम अगले और नेक्स्ट कर्व पर आ रहे हैं, वो है लाफर या लॉफर वक्र भी इसे कहते हैं। अगर हम बात करें लॉफर वक्र की तो लॉफर वक्र बताता है, लॉफर वक्र इसे भी याद रखिएगा, लॉफर वक्र बताता है कर की दर और राजस्व को। जैसे कि करों की दर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या राजस्व बढ़ेगा, या करों की दर कम कर दी जाए तो क्या राजस्व कम होगा। जैसे हम अपने अगर भारत के इतिहास पर गौर करेंगे तो 1950 से 1990 हम इसे लाइसेंसिंग पीरियड कह देते हैं, क्योंकि इस समय हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी और हमारे करों की दर इतनी उच्च होती थी कि कोई भी व्यक्ति अपने धन को छुपाने पर ज्यादा ध्यान देता था न कि टैक्स पे करने पर।
तब लॉफर कर्व हमें बताता है कि कौन से करों की दर लगानी चाहिए कि राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि हो। लॉफर वक्र के अनुसार अगर हम सिंपल सी बात करें कि एक समय जैसे हम जैसे जैसे राजस्व की बात कर रहे हैं, तो राजस्व और करों की दर, करों की दर लॉफर साहब के अनुसार जैसे जैसे करों की दर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राजस्व में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन एक समय के बाद जब आप करों की दर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो राजस्व में वृद्धि होने के स्थान पर कमी होना शुरू हो जाती है। यह आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत बेहतर तरीके से देख और समझ सकते हैं। जब राजस्व आप अधिकतम चाहते हैं तो उसमें करों की दरों को ना तो बहुत ज्यादा रखा जाए और न ही बहुत ही कम। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि राजस्व में जब भी हम बात करेंगे, यहां पर हम करों की दर ले रहे हैं, सॉरी करों की दर, और यहां पर हम ले रहे हैं राजस्व। तो इनका कहना यह है कि जैसे जैसे करों की दर बढ़ती गई राजस्व बढ़ता गया, फिर करों की दर बढ़ती गई राजस्व बढ़ता गया, और एक समय पर आकर राजस्व अधिकतम हो गया। लेकिन उसके बाद आप करों की दरों को अगर बढ़ाएंगे तो राजस्व बढ़ने के स्थान पर कम होना शुरू हो जाएगा, और राजस्व बढ़ने के स्थान पर अगर कम होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब ऐसे करों की दर लोगों को मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट कर रही है टैक्स पेइंग करने के लिए। तो लॉफर्ड साहब ये कहते हैं कि ना तो करों की दर बहुत ज्यादा हो ना ही करों की दर बहुत ही अधिक हो, क्योंकि करों की दर जब बढ़ती है बहुत ज्यादा तो राजस्व में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जब भी लॉफर नाम सुने आप तो दिमाग में आना चाहिए करों की दर और राजस्व में क्या परिवर्तन होगा, किस तरीके का ग्राफ होगा, उस पर बात समझा रहे हैं। और बहुत सामान्य सा नियम है, अगर करों की दर लगातार बढ़ती चली जाए तो राजस्व में पहले वृद्धि होती है लेकिन एक समय के बाद राजस्व में कमी आना प्रारंभ होती है। 1990 के बाद भारत सरकार ने जब टैक्स में रिफॉर्म करने शुरू किए तो पहले टैक्स रेट को कम कर दिया और धीमे धीमे से टैक्स रिवेन्यू बढ़ने लगा, क्योंकि करों की दर इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसके कारण जो रिवेन्यू था वो बहुत कम आता था। और अब हम लगभग इस जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसा टैक्स लगाया जाए जिससे उससे जो कलेक्शन है राजस्व का, रिवेन्यू कलेक्शन है, वह मैक्सिमम रहे। तो ये हमारा कर्व था लॉफर वक्र, जो ये स्पष्ट करता है करों की दर और राजस्व में किस तरीके का संबंध होगा।